हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे तो सबसे पहले आप सभी लोगों को ढेर सारा हैप्पी 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 न्यू ईयर आप सभी लोगों के लिए ये साल प्रॉस्पेरिटी अबर्नेंस गुड लक ब्लेसिंग्स लेकर आए बहुत ज़्यादा खुशियों से भरा हो आई विश यू ऑल द बेस्ट और ये साल बहुत ही अच्छा रहे आप सभी लोगों के लिए आई नो कि 2023 थोड़ा सा टफ था हम सभी लोगों के लिए 2023 जाते जाते मेरी दादी माँ को भी अपने साथ ले गया और अब इज़ एट ए बेटर प्लेस नाउ बट स्टिल उनकी याद तो आती है बट 2023 हजार तेईस आई नो कि बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल वाला पीरियड रहा है बट आई विश कि ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एंड आई नो कि ट्वेंटी ट्वेंटी फोर जो भी आपने स्ट्रगल किए मेहनत करी लगन के साथ काम किया उसका रिजल्ट आपको ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में डेफिनेटली मिलेगा और आज हम ट्वेंटी ट्वेंटी फोर की रीडिंग करने वाले हैं कि ये साल आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है क्या गाइडेंस है आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है ये भी हम आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे एंड 2023 में आप सभी लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया और मैं बहुत बहुत आभारी हूं दिल से थैंक यू सो मच और हमारी फैमिली इतना ग्रो हो गई और पता भी नहीं चला कैसे ये साल आपके साथ इतने प्यार के साथ ब्लेसिंग्स के साथ निकल गया और 2024 में भी मुझे उम्मीद है आई होप कि आप सभी लोग मुझे बहुत सारा और भी ज्यादा प्यार देंगे एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आपका ढेर सारा स्वागत है मेरे चैनल पर प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल फैमिली ऑल्सो डोंट रूट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करिएगा ये वीडियो एंड अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में पर्सनल लाइफ में करियर लाइफ में कोई गाइडेंस चाहते हैं तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या ई मेल कर सकते हैं मेरी ई मेल आई डी पर जो भी इंफॉमेशन है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉमेंट बॉक्स में गिवन मिल जाएगी तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलेगा और ये एक राशि के अकॉर्डिंग आपकी रीडिंग होने वाली है जनरल रीडिंग होने वाली है आप अपनी राशि को जैसे भी देखते हैं सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं या नाम के अकॉर्डिंग वाली राशि से इस रीडिंग को देख सकते हैं और इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है तो अननेसेसरी बर्डन प्रेशर मत लीजिएगा ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है हो सकता है सभी लोगों के साथ रेजोनेट करे या ना करे एंड जनरल गाइडेंस मैं सभी लोगों के लिए चैनल मैसेज आ रहा था मैं देना चाहती हूँ आपके लिए मैसेज और ये मैसेज ये है कि दो आठ नंबर बना रहा है एट नंबर बना रहा है विच इज द नंबर ऑफ सैटर्न शनि देव का नंबर होता है आठ तो इस साल जो भी आपने कर्म किए हैं पुराने पास्ट समय में पास्ट टाइम में जो भी आपने कर्म किए हैं उन कर्मों का फल आपको ये साल देने वाला है शनि देव इज द जस्टिस इज द गॉड ऑफ जस्टिस तो वो आपको न्याय हर तरह से देने वाले हैं जो लोग भी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं उनको भी इसमें इस लंबे समय से जो भी कोर्ट केस का सामना कर रहे हैं उस उसमें भी आपको न्याय मिल सकता है और आपकी सफलता भी आपको मिल सकती है और साथ में जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये यहाँ पर ही चैनल मैसेज आने शुरू हो गए हैं इंट्रोडक्शन में ओके ये जनरल गाइडेंस आ रही है सभी लोगों के लिए तो जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं काफ़ी लंबा टाइम हो गया काफी लंबा समय हो गया और कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है थक हार गए हैं तो देखिए आप जो भी मेहनत और लगन के साथ करेंगे आपको इस साल डेफिनेटली गुड न्यूज़ मिल सकती है हाँ पे रिजल्ट मिल सकता है और गुड न्यूज़ से याद आया जो लोग भी प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी लंबे समय से प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं उनके लिए भी ये साल बेबी ब्लेसिंग लेकर आ सकता है और शनि देव का ये साल होने वाला है तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है कि आप लोगों को गुड कर्मा करना है सबके साथ अच्छा कर्म अच्छा व्यवहार करना है लोगों से झूठ नहीं बोलना है झूठ बोलने से बचिएगा क्योंकि शनि देव को बिल्कुल भी झूठ पसंद नहीं है। और लोगों में दान पुण्य गरीब लोगों में जो भी जो भी मजबूर लोग हैं उनमें डोनेशंस कीजिए चैरिटी कीजिए दान पुण्य कीजिए और उनकी सहायता कीजिए बुजुर्गों की सहायता कीजिए अपने माता और पिता का सम्मान कीजिए अपने माता और पिता की रिस्पेक्ट कीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए है और जिन लोगों के ऊपर भी शनि की साढ़िस साती है या महादशा चल रही है उन लोगों के लिए शिव जी की आराधना करना भगवान शिव की आराधना करना बहुत अच्छा रहेगा इस साल के दौरान और जितना हो सके खुशियाँ बांटिए अच्छे कर्म कीजिए बस यही आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रही हैं बाकी हम आगे रीडिंग में देखेंगे सो चलिए विदाउट एनी फर्दर यू आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं गणपति बप्पा का नाम लेकर ओम गंग गणपति नम हेलो पाइसिस मीन राशि तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए 2024 क्या कुछ खास लेकर आने वाला है और क्या होने वाला है 2024 और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए ये हम आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे एंड उससे पहले आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपके एनर्जीज मैं पिक कर पाऊँ और आपको अच्छे से गाइडेंस दे पाऊँ मीन राशि पाइसिस राशि के लिए कैसा रहेगा दो का साल थैंक यू सो मच मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स थैंक यू सो मच स्पाइसेस मेन राशि ओके वी हैव किंग ऑफ वोंड्स नाइन ऑफ सोर्ड्स ओके बेवर्जा की टेंशन आप लोगों को हो सकती है इस साल थोड़ा सा ओके okay. बट uh, उससे ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग है ना समय की कीमत को पहचान रहे हैं कोई नई अपॉर्चुनिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है कुछ नया आपकी लाइफ में हो रहा है नयापन आपकी लाइफ में अगर आपको लगता था ना कि यार क्या हो रहा है लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपको क्लैरिटी भी होने वाली है क्लैरिटी भी, भी मिलने वाली है आप लोगों को कि आपको आगे क्या करना है आपका रास्ता क्या है आपकी मंजिल क्या है इस तरह की क्लैरिटी आपको रिसीव हो सकती है और साथ में ना आप लोग कोई पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं क्योंकि हम पहले करियर की बात कर रहे हैं तो यस आप लोग किसी बिजनेस पार्टनरशिप में आ सकते हैं पार्टनरशिप टीम वर्क कोलैबोरेशन में कोई ना कोई काम करते हुए आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं ऑल्सो यहाँ पर कुछ लोग अपना ड्रीम होम खरीद सकते हैं कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हुए आप लोग मुझे नजर आ रहे हैं इन एस ऑफ सॉर्ट्स नया चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है कोई नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है बिगनिंग्स आ रही हैं आप लोगों की लाइफ में कुछ नयापन हो रहा है और साथ महीना आप लोग काफ़ी ज़्यादा इस साल के दौरान खुद को बिज़ी एनर्जी में रखने वाले हैं बिल्कुल खाली नहीं बैठने वाले हैं बहुत बिजी आप लोग रहने वाले हैं कोई नया करियर आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं कोई नया बिजनेस आप लोग स्टार्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं ऑल्सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे पूरे साल ना मोटिवेशन की कमी नहीं रहेगी आप लोगों के अंदर आप लोग सोचते रहेंगे कि यस कुछ करके दिखाना है बहुत एक्साइटमेंट बहुत हाई मोटिवेशन आप लोगों के अंदर रहने वाला है कुछ लोग अगर जॉब स्विच का सोच रहे थे या नई जॉब ढूंढ रहे थे नौकरी को लेकर परेशान थे तो आप लोगों के लिए नौकरी बहुत ही अच्छी आने वाली है अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी समय हो गया और मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है तो यस आपकी जो आपके मुताबिक अच्छी नौकरी है ड्रीम जॉब है आपकी वो यहाँ पर आपको मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं ऑल्सो आप लोग कुछ लोग यहाँ पर अपने पैशन को अपनी हॉबीज़ को अपने, अपने लाइफ में अपने जॉब में अपने करियर में बदल सकते हैं और यहाँ पर मुझे लगता है कि जैसे कि आपका आर्ट एंड क्राफ्ट आ, कोई आपकी स्किल हो गई उस चीज़ को लेकर आप आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर ओके यार ऑफ वॉन्ट्स पर से बहुत सारी नई शुरुआत है आपके लिए बिल्कुल नई शुरुआत है नया चैप्टर शुरू हो रहा है लाइफ में और यस कुछ लोग अगर स्टार्टअप वगैरह भी अपना खोलना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं जीवन में तो ये समय ये साल आपको काफ़ी तरक्की देने वाला है जो भी आप काम करेंगे और उस पर एक्शंस लेंगे तो वो डेफिनेटली आपको सक्सेस देने वाला है मेजिशन की यहाँ पर एनर्जी आ गई है जो सोचेंगे वही आप लोग कर दिखाएंगे और एक्शंस भी लेंगे उस पर ऐसा नहीं है कि बस आपने सोच लिया और वो अपने आप हो गया तो आप लोग एक्शंस भी ले रहे हैं उसको पूरा करने के लिए बहुत मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ रहे हैं साथ में मुझे लगता है कि आप लोग अगर स्टूडेंट्स हैं तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग अब पढ़ाई पर ध्यान देने वाले हैं स्टडीज़ पर ध्यान देने वाले हैं और जिसकी वजह से ना आपको काफ़ी ज़्यादा सफलता देखने के लिए मिल सकती है अप्रिसिएशन भी मिल सकती है काफ़ी लोगों से और लोग आपकी वाहवाई तारीफ करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं अपने काम को लेकर काफी अप्रिसिएशन आप लोग गेन कर रहे हैं डीप स्टडी आप लोग कर रहे हैं किसी चीज को अगर आप फाइनेंसेस को लेकर परेशान रहते हैं कि आप लोग जो भी करें आपके फाइनेंसेस ग्रो नहीं होते तो आपके जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो हो सकती है तो 2024 में आपके पास फाइनेंसेस इम्प्रूव हो रहे हैं आपके पास पैसा आ रहा है माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों के पास आ रही है वो क्यों क्योंकि आप लोगों ने इस समय काफ़ी मेहनत कर ली है और आप लोगों के पास अब फल रिवॉर्ड मिलने का समय आ गया है ऑल सो आप लोग है ना बिल बहुत लग्जरी लाइफ में जीते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कम्फर्टेबल लाइफ में खुद को जीने लेकर जाने वाले हैं आप लोग और एक इनकम सोर्स के साथ साथ आप दूसरा इनकम सोर्स भी जनरेट करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं अलग अलग चीज़ों को हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं मल्टीपल बिज़नेसेस भी आप लोगों के हो सकते हैं और सो यहाँ पर कुछ पढ़ाई आप मल्टीपल डिसिप्लिन uh, में कर सकते हैं जैसे कोई केमिस्ट्री uh, पढ़ रहा है और साथ में कोई पॉलिटी भी पढ़ रहा है कोई uh, हिस्ट्री भी पढ़ रहा है मतलब आप लोग मल्टीपल सोर्सेज कर रहे हैं मल्टीपल डिसिप्लिन में पढ़ाई कर सकते हैं ऑल्सो ये बहुत ही अच्छा समय है अगर आप लोग फॉरेन स्टडी के लिए जाना चाहते हैं या आपका वीज़ा या पीआर अप्रूव नहीं हो रहा था लंबे समय से तो वो अप्रूव होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए फॉरेन स्टडीज के लिए जाना या फॉरेन में अपॉर्चुनिटीज ढूंढना काफ़ी अच्छा रहने वाला है काफ़ी सक्सेस आपको मिलने वाली है कुछ लोग सोशल मीडिया पे कुछ काम करना चाहते हैं तो उसमें भी आपका नेम फेम ग्रो होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है सोशल नेटवर्क भी आपका काफ़ी बढ़ रहा है और लोगों के बीच में ना आप एक आप लोगों के बीच में अलग ही नज़रों में आ रहे हो लोगों की और काफ़ी नेम फेम आपका फेमस भी हो सकते हैं कुछ लोग अपनी कम्युनिटी में अपने आसपास के लोगों में आप लोग फेमस होते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं काफ़ी लोग हैं ना आपसे जेलस भी फील करने वाले हैं क्योंकि आप अलग कुछ अलग कर दिखाने वाले हैं तो यस काफ़ी लोगों की नज़रों नज़रों में आप आ रहे हैं नज़रें आपके काफ़ी लोगों की नज़रें आप लोगों के ऊपर हैं ऑल्सो यस यहाँ पर काफ़ी पैसा भी आप लोग इकट्ठा करने वाले हैं ग्रो करने वाले हैं आपकी इनकम सोर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं साथ में आपकी इंटेलिजेंस भी बहुत हाई रहने वाली है आप जो सोचेंगे ना फट से उस पर एक्शंस लेंगे और फट से उस पर रिज़ल्ट भी आपके सामने आ जाएगा तो यस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप लोग सक्सेस को अचीव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं अपना ड्रीम होम आप लोग खरीद सकते हैं या बिल्ड करते कर सकते हैं एंड कोई ना कोई क्लैरिटी आपके माइंड में आ रही है जैसे कि मैंने कहा कि रास्ता भी और मंजिल भी आपको नज़र आने वाली है ऑल्सो यहाँ पर डीप स्टडी आप लोग करने वाले हैं जो भी डिसीजनस आप लेंगे ना उसको डीपली एनालाइज करके आप लोग लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं साथ में आप लोग अपनी बॉडी पर भी अच्छा खासा काम करने वाले हैं कुछ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए भी, भी आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं एक तरह से ना आप पूरी तरह से अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आ रहे हैं और जैसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और अपनी लव लाइफ फैमिली लाइफ को भी आप लोग बैलेंस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आने वाले पाँच साल आने वाले दस सालों की प्लानिंग करते हुए भी आप लोग मुझे इस साल के दौरान नज़र आ रहे हैं कि आपको आने वाले दस सालों में क्या कुछ अचीव करना है और उसको लेकर एक्शंस आप उसकी नींव आप इसी साल रखने वाले हैं उसको लेकर एक्शंस भी इसी साल लेने वाले हैं एंड साथ में कुछ अलग हटके ही आप लोग इस साल करने वाले हो क्या कर रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और कुछ अलग हटके ही आप लोग करने वाले हैं और ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा आने वाली हैं और जो आपके अंदर आइडियाज़ आ रहे हैं ना वो कहीं नहीं आ रहे हैं मतलब कहीं और से नहीं सिर्फ यूनिवर्स की तरफ से यूनिवर्स आपको खुद गाइड कर रहे हैं कि ऐसा करो और ऐसा आपको सक्सेस मिलने वाली है तो इसलिए जब यूनिवर्स की गाइडेंस पर आप लोग काम करेंगे तो आपको बहुत भर भर के सक्सेस मिलने वाली है इस साल के दौरान ऑल्सो आपकी ना एनालाइजिंग वाली पावर जो है एनालिटिकल स्किल्स काफ़ी अच्छी रहने वाली है Uh, अगर कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं हालांकि मुझे बहुत कम लोग दिख रहे हैं ऐसे लेकिन आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब भी आती हुई मुझे नज़र आ रही है कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है हायर अथॉरिटिव पोजिशन आप लोगों को गेन हो सकती है इस साल के दौरान आपकी मैनिफेस्टेशन पावर काफ़ी हाई रहेगी और आप लोग जो सोचेंगे वैसा ही करके दिखा देंगे और जैसा सोचेंगे वो चीज़ रियलिटी में आ जाएगी अगर आप सोचेंगे आपको समोसा खाना है तो वो भी आपके लिए अगले पल समोसा हाजिर हो जाएगा कहीं ना कहीं से आप मैनिफेस्ट कर ही लोगे चीज़ों को ठीक है तो ये भी आपके लिए एक चैलेंज रहेगा कि आप अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जी में रखें पॉजिटिव हाई एनर्जी में रखें और ये हाई एनर्जी के वजह से ना कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको नींद ही नहीं आ रही आपको टेंशन हो रही है ओवरथिंकिंग हो रही है कि नहीं नहीं ये भी करना है वो भी करना है इतना सारा काम है इतने एक्साइटेड इतना एक्साइटेड हो रहे हैं आप लोग कि आपको नींद ही नहीं आ रही है तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ना अपने माइंड को रिलैक्स कीजिएगा काम डाउन कीजिएगा कूल डाउन कीजिएगा वो कैसे करोगे मेडिटेशन करके है ना करके अच्छा म्यूजिक सुन के आप लोग अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं काम डाउन कर सकते हैं ओके okay, अब लव लाइफ की बात करते हैं लव लाइफ में ज्यादा कुछ तो नहीं हो रहा है और लव लाइफ की रीडिंग भी मैं अलग से बनाऊंगी 2024 की बट ऐसे यहाँ पर ऊपर ऊपर से अगर मैं आपको बताऊं तो लव लाइफ में भी आप लोग कोई अगर सिंगल हो तो एक नया चैप्टर आपके लव लाइफ में स्टार्ट हो रहा है कोई नया पार्टनर uh, आपको मिल सकता है कोई नया आ रहा है आपकी ज़िंदगी में आपके सोलमेट हो सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके सोलमेट हो एंड यहाँ पर आप दोनों किसी बैकग्राउंड डिफरेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है एज डिफरेंस हो सकता है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस होंगी लेकिन आ, ये सबके सोलमेट से आप मिल सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर अरेंज मैरिज के प्रपोजल्स आ रहे हैं क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा लोगों के नज़रों में आ रहे हो ना तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पास प्रपोजल्स काफ़ी ज़्यादा आए लोग आपको काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं इस साल के दौरान और लोगों की नज़रें आपके ऊपर हैं जैसा कि मैंने कहा और आपके एक्स भी यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर सकते हैं और साथ में आपके एक्स बार बार कोशिश कर सकते हैं कि हम आप वो आपकी लाइफ में दोबारा से आए लेकिन आप कह रहे हो नहीं दैट्स एट अब मुझे आगे बढ़ना है आप मूव ऑन कर रहे हो और मूव ऑन करके आप एक अपनी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हो एक नई शुरुआत लेकर आ रहे हो एक नए पार्टनर की तलाश में आप लोग आ रहे हो और पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर करते हुए कि भगवान आप ही ढूंढोगे भगवान आप ही लेकर आओगे मेरे ले लिए एक नया पार्टनर तो इस तरह की एनर्जीज में आप लोग आ रहे हैं सिंगल लोगों के लिए बहुत जल्द विद इन थ्री टू तो सिक्स मंथ्स आपके लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइम होगा लेकिन यस थ्री टू तो सिक्स मंथ्स आप लोगों के लिए कोई टाइम है कि आपको अपने पार्टनर सोलमेट रिसीव हो सकते हैं एक अच्छा रिश्ता आपको रिसीव हो सकता है अगर काफ़ी लंबे समय से आपको अच्छे रिश्ते की तलाश थी अरेंज मैरिज में तो आपके लिए अच्छा रिश्ता आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है ऑल्सो जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों की रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही है अंडरस्टैंडिंग लेवल काफ़ी अच्छा हो रहा है और आप दोनों एक साथ मिलके ना कुछ धमाल मचाने वाले हो आप दोनों पावर कपल मिलके कुछ ना कुछ अमेजिंग कर दिखाने वाले हो और साथ में आपकी फ़ैमिली में भी अगर कोई डिफरेंसेज थे तो उनको भी सॉर्ट आउट करने वाले हो <coughs> आपकी फैमिली का सपोर्ट भी होता हुआ मिलता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है और आपकी फैमिली आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने वाली है अगर आप लोग लव मैरिज भी करना चाहते हैं अपनी फैमिली की वजह से परेशान थे तो यस आपकी फैमिली भी आपकी लव मैरिज का अप्रूवल देते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है ऑल्सो यस फैमिली सपोर्ट करेंगे न, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर के आपके साथ होने वाले हैं और आप भी अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर के होने वाले हैं आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा आप लोगों के ऊपर <laughs> लट्टू होने वाले हैं अट्रैक्ट होने वाले हैं आप लोगों से भले ही आपका रिश्ता कितना भी पुराना हो लेकिन एक नयापन आपके रिश्ते में आ रहा है रोमांटिक एनर्जी बहुत हाई रहने वाली है आप दोनों के बीच में और साथ में आपके पार्टनर पूरी तरह से आपके ऊपर आपके ऊपर फिदा होने वाले हैं आप लोग कुछ ना कुछ मेजर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं या अपनी पर्सनैलिटी में कुछ चेंज लेकर आ रहे हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर आप पे बहुत ज़्यादा फिदा होने वाले हैं और बाकी लोग भी काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स आप अट्रैक्ट कर सकते हैं भले ही आपकी एज कितनी भी है लेकिन आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी में आ रहे हैं ऑल्सो यहाँ पर तो, काफ़ी लोग आपसे जेलस भी फील हो सकते हैं तो अपने आप को ना प्रोटेक्ट करके रखिएगा कभी कभी आपकी एनर्जी डाउन भी हो सकती है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिएगा अपने और को स्ट्रॉन्ग रखिएगा वो आप कैसे करोगे कोई मंत्र चांटिंग आप कर सकते हो या फिर आप कोई क्रिस्टल्स पहन सकते हैं अपने और को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ठीक है सो आप मुझसे भी ले सकते हैं और यस यहाँ पर आप लोग किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं अगर तो आप अपनी वैल्यू को ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे हैं आप लोग कह रहे हैं कि मुझे इन सब चक्रों में नहीं पड़ना है मेरी वैल्यू बहुत हाई है मैं बहुत अच्छा डिजर्व करता हूँ या करती हूँ और आप लोग आगे बढ़ रहे हैं उस सिचुएशन से ही जिसकी वजह से ना आपके पार्टनर आपके पास भाग भाग के वापस आने वाले हैं और यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन के बीच में ना जो लोग भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन सॉल्व होने वाली है रिजॉल्व होने वाली है और आपको एक क्लैरिटी मिलने वाली है कि आपको इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है काफ़ी लोग यहाँ पर प्रेफर कर रहे हैं कि आप एक नई शुरुआत करें बट जो लोग नहीं कर सकते हैं तो आपके पार्टनर आपके पास यहाँ पर वापस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं ऑल्सो स्पिरिचुअली मुझे लगता है काफ़ी आप ग्रो कर रहे हैं आप लोग ईश्वर से डिवाइन से बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हैं अगर आपको लग रहा था ना कि ये भक्ति कुछ नहीं होता है या प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता है कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं तो आपको यहाँ पर इस समय इस साल आप लोगों को प्रार्थना की भक्ति की कीमत रियलाइज़ होने वाली है कि कितनी स्ट्रॉन्ग होती है प्रार्थना करना कितनी प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है ये चीज़ आपके सामने आने वाली है ऑल्सो डिवाइन आपको बहुत सारे साइंस भी शो करने वाले हैं कि वो आपके साथ हैं एंड आपके एंसिस्टर्स आपके एंजल्स आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं आपका इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा इस साल के दौरान जिसकी वजह से आपको डिवाइन पे और भी ज़्यादा ट्रस्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है और ज़्यादा ट्रस्ट के साथ और ज़्यादा समर्पण की भावना के साथ सरेंडर के साथ आप लोग आगे बढ़ने वाले हैं इस साल और डिवाइन पे बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट आपका हो रहा है हेल्थ वाइज मुझे लगता है कि आपको अपनी आँखों का अपने सर का काफ़ी ध्यान देना चाहिए इस साल आपको कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो अपनी हेल्थ का काफी ध्यान रखिएगा और वो हेल्थ प्रॉब्लम्स इसलिए भी हो सकती हैं, क्योंकि आप किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से परेशान हो सकते हैं किसी नजर दोष दोष बहुत ज्यादा आपको लग सकता है ई विलई बहुत ज्यादा लग सकती है तो अगेन मैं कहूँगी कि प्रोटेक्ट रखिएगा खुद खुद को प्रोटेक्टेड रखिएगा और यहाँ पर आप लोग आप लोग कुछ लोग ना यहाँ पर हीलिंग फील्ड में भी जा सकते हैं हीलिंग फील्ड में जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं डी हीलिंग या डॉक्टर या नर्सेस बन सकते हैं आप लोग और इस करियर में आप लोग आगे बढ़ सकते हैं और लोगों को भी आप लोग हील कर रहे हैं आपका और अलग से ही लोगों को हील करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है ओके सो देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आ रही है हेल्थ वाइज मैंने आपको बता ही दिया कि हेल्थ का ध्यान रखिए गाइडेंस क्या आ रही है पाइसिस के लिए कम्युनिकेट क्लियरली अपने थ्रोट चक्रा का ध्यान रखिएगा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा और अपने गले का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा रिकवरी अगर आप कुछ कहने से डरते हैं ना तो अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए जो भी कुछ भी सोच लें कोई भी कुछ भी सोच ले, लेकिन आपको डरना नहीं है खुद को एक्सप्रेस करना है ठीक है रिकवरी यहाँ पर अगेन हेल्थ इश्यूज़ की बात हो रही है तो आपको अपनी हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होगा आप लोगों के लिए हीलिंग भी आ रही है बट यस yes, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और ऑल्सो पास्ट में अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे थे तो आप लोगों के लिए यहाँ पर हीलिंग आ रही है रोमांस काफ़ी लंबी बीमारी अगर आपको चल रही थी ना उसमें आपको हीलिंग मिल सकती है रोमांस कोई नया पार्टनर अगेन मैं वही कह रही हूँ कि कोई नया पार्टनर वही मैसेज आया है कि कोई नया पार्टनर आप लोगों को रिसीव हो सकता है कोई नई रोमांटिक साइकिल सोलमेट एनर्जी में सोलमेट रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग जा सकते हैं और अगर आप दोनों के बीच में डिफ्रेंसेस भी थे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था काफ़ी समय से काफ़ी लंबे समय से नो no कॉन्टैक्ट चल रहा था ना तो वो भी सॉर्ट आउट हो सकता है आप दोनों के बीच में ओके वी हैव द ग्रेट गैदरिंग इट्स ऑल कमिंग टुगेदर इंट्यूटिव हेड सोल ट्राइव इस साल के दौरान ना आप काफ़ी ज़्यादा अगर अपनी फैमिली से दूर रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों के फैमिली के साथ मुलाकात बार बार हो और आप लोग कुछ सेलिब्रेट करते हुए फैमिली के साथ और फैमिली गैदरिंग्स का हिस्सा बनते हुए यहाँ पर आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं यू आर ऑलरेडी डूइंग इट्स स्टॉप ओवर थिंकिंग फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ येस बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ओवर की प्रॉब्लम है ज़्यादा सोचते हैं आप लोग लेकिन पर आपसे कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं सही दिशा में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल चिंता मत कीजिए चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए ओके कीप okay? योर हार्ट ओपन यहाँ पर हार्ट चक्रा आपको ओपन रखने के लिए कहा जा रहा है बी ओपन टू रिसीव लव अपने आप को ओपन रखिए लव के लिए और अपने हार्ट चक्रा पे ज़्यादा मेडिटेट कीजिए अपने हार्ट चक्रा पे ध्यान लगाइए ग्रीन कलर के साथ काम कीजिए इंस्पायर्ड एक्शंस, एक्शंस लीजिए और आप लोग एक्शन ले भी रहे हैं बट आपको ना कभी कभी इंस्परेशन की कमी महसूस हो सकती है तो उसके लिए आपको इंस्परेशन अपने अंदर लेकर आना होगा और क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए मीन राशि ललिता त्रिपुरा सुंदरी माँ क्या यहाँ पर मैसेज आया है जो मा है कि माँ कह रही हैं कि अपनी बॉडी का अपनी हेल्थ का अगेन ध्यान रखिए ओके हेल्थ इश्यूज यहाँ पर हेल्थ का ध्यान रखिए अपनी और अपनी बॉडी को थोड़ा सा टेंपल की तरह ट्रीट कीजिए आपकी बॉडी आपका टेंपल है अपनी खूबसूरती अपनी फिजिकल अपेरेंस का अपनी फिजिकल ब्यूटी पर भी आपको ध्यान देने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है ओके okay? मूल मूलधारा चक्र यहाँ पर आया है आप लोगों के लिए रूट के साथ खुद को कनेक्ट कीजिए आपकी रूट क्या है और साथ में अगर आप लोग इनसिक्योर फील करते हैं तो आपको यहाँ पर मूलधारा चक्र को एक्टिवेट करना होगा बैलेंस करना होगा उसके लिए आपको प्लांट्स के साथ जुड़ना चाहिए मदर अर्थ के साथ जुड़ना चाहिए और ग्राउंडिंग करना आपके लिए अच्छा रहेगा साथ में प्लांटिंग करना या पेड़ पौधे लगाना वो भी आपको काफी ज्यादा फलदायक रहेगा आप लोगों के लिए मूलधारा चक्र की चांटिंग आप लोग कर सकते हैं लम चांटिंग होती है ठीक है रूट वाले वेजिटेबल्स खाइए गणेश जी की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए पॉजिटिव आउटलुक यहाँ पर पॉजिटिव साइड को देखिए दुनिया की पॉजिटिव साइड को देखिए नंबर ट्वेंटी नाइन विच इज़ नंबर इलेवन तो यहाँ पर दुनिया की पॉजिटिव साइड को देखिए और यहाँ पर आपको ना कभी कभी मून साइकिल्स के साथ इमोशनल मूड स्विंग्स हो सकते हैं तो अपनी लाइफ में मूड स्विंग्स के साथ डील करना सीखिए और चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखना ना अलग ही चीज़ होती है एक स्परिचुअल प्रैक्टिस ये यहाँ पर स्परिचुअल प्रैक्टिस नंबर नाइनटीन विच इस नंबर टेन तो स्परिचुअल प्रैक्टिस एक बनाइए रेगुलर रूटीन बनाइए कि आपको इतनी देर मेडिटेशन करना है ये मंत्राचांड करना है या ये माला जाप करना है तो कुछ ना कुछ स्परिचुअल प्रैक्टिस आपको करने के लिए यहाँ पर गणेश ही कह रहे हैं एंड रिलैक्सेशन नंबर फोर्टी नाइन विच इज़ नंबर थर्टीन विच इज़ नंबर फोर तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से रिलैक्स रहने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर अगेन मून है मून है तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग काफ़ी इमोशनल भी हो सकते हैं तो अपने इमोशंस को काबू में रखिए काबू में कैसे रखेंगे रिलैक्स रखिए खुद को और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए ठीक है भक्ति भाव में रहिए ईश्वर की आराधना कीजिए ईश्वर की भजन सुनिए ठीक है इससे आप लोग काफी रिलैक्स फील करेंगे म्यूजिक आपका एक मेजर रोल प्ले करेगा रिलैक्सेशन में ओके तो खुद को रिलैक्स कीजिए और अगर आप बहुत ज्यादा काम करते हैं ना तो अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालिए अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन में रहते हैं तो ओके सो यस गाइस ये थी आप लोगों के लिए 2024 की रीडिंग एंड गाइडेंस अगर आपको थोड़ी सी भी गाइडेंस मिली है आज की रीडिंग से तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अगर आपने अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फर्गेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करे ये वीडियो एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या ई कर सकते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉमेंट बॉक्स में गिवन मिल जाएगी तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलेगा तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय